हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक काइनवास्ट एप्लीकेशन प्लस एक वीडियो का लिंक दे रखे है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। इस बैकग्राउंड को 15 से 20 सेकेंड तक कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे हैं, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को आपको फुल साइज कर देना है। वीडियो पे क्लिक करना है, इसे आपको लास्ट पॉइंट पे चले आना है और एक्स्ट्रा जो पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। तो वीडियो आपको 14:9 पे ख़त्म हो रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे। बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, इसे भी हमें ट्रिम टू राइट कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। आपने जो वीडियो शूट कर रखे है ग्रीन स्क्रीन में, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यदि आपका वीडियो में कोई एक्स्ट्रा पार्ट है तो आप सिंपल क्रॉप पे आना है, इसे इनेबल करना है और इस बॉक्स को सेलेक्ट कर अब यहाँ से बिल्कुल आसानी से इस तरह से क्रॉप कर सकते हैं। तो आपको क्रॉप कर लेना है, क्रॉप करने के बाद डन करना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे, क्रोमा की को इनेबल कर देना है, शो मास्क पे क्लिक करना है। ये जो आप देख रहे हैं आपको बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए होता है, तो सिंपल इसे आपको ब्लैक कर देना है कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से यहाँ पर ब्लैक हो चुका है। और ये जो होता है आपको फेस को रिमूव करने के लिए होता है, तो इसे हम फेस को हमें वाइट कर देना है कुछ इस तरह से। इसके बाद शो मास्क पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमारा प्रॉपर यहाँ से रिमूव हो चुका है, इसे हम डन करते हैं। वीडियो पे क्लिक करेंगे और इसे आपको कुछ इस तरह से जूम कर सही से एडजस्ट आपको कर देना है, और कुछ इस तरह से आपको नीचे की तरफ एडजस्ट आपको कर देना है। तो आप वीडियो देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। फिर अपने वीडियो का राइट साइड या लेफ्ट साइड लगाना चाह रहे हैं तो सिंपल आपको वीडियो कलर पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है रोटेट का, सिंपल इस पर क्लिक करोगे और इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो वीडियो आपको कुछ इस साइड आ जाएंगे, इसके बाद डन करना है। वीडियो पे क्लिक करेंगे और इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट आपको कर देना है, इसके बाद डन करना है। तो वीडियो हमारा प्रॉपर यहाँ पे एडिट हो चुका है। तो आपको इसके बाद क्या करना है, वीडियो पे क्लिक करना है और इसे आपको वीडियो पे क्लिक करना है, वॉल्यूम पे क्लिक करना है और एक वॉल्यूम को आपको म्यूट कर देना है क्योंकि दोनों वीडियो में हमारा सॉन्ग ऐड है तो डबल सॉन्ग हो जाएगा तो आपको मैच नहीं हो पाएगा, इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम आ सकता है। एक वीडियो को साउंड को मैंने म्यूट कर दिया हूँ। तो मैंने जो वीडियो शूट किया हूँ टिकटॉक से ही शूट किया हूँ और उस वीडियो को मैंने प्राइवेट में अपलोड कर दिया था। तो आप भी इस तरह से चाहे तो इस तरह से वीडियो शूट कर सकते हैं, या फिर एक मोबाइल फ़ोन में सॉन्ग को प्ले कर लेना है और दूसरे मोबाइल फ़ोन से वीडियो को शूट कर लेना है। और इसके बाद यदि आप वीडियो को एक से दो बार प्ले कर देख लेना, यदि कोई एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है स्टार्टिंग पॉइंट में। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।